हमारे साथ अभी राजेश पालविया साहब भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, क्या पिक रहेगी आपकी कल के लिए? जी, शुगर के बाद फर्टिलाइजर सेक्टर को भी यहाँ पे देखना चाहिए, और उसमें जीएनएफसी का सेटअप काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में वीकली सेटअप के हिसाब से एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक को बिल्कुल बाय करना चाहिए। बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से 470-71 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें लगता है कल तक टारगेट आना चाहिए 482 से लेके 485 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें 464 के आसपास, और जीएनएफसी बाय करने की सलाह रहेगी बीटीएसटी में। नो डाउट, अगर आपको एक फर्टिलाइजर स्पेस में काउंटर देखना है जो कि चीनी का मुकाबला कर सके बलरामपुर की, वो आपको जीएनएफसी देखना है। इस काउंटर का हम लोगों ने स्वागत किया है फिलहाल एफएनओ क्षेत्र में, और यहाँ पर आप बढ़िया मोमेंटम ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं, लगभग 26 रुपये ऊपर। चलिए जी, निफ्टी कैश में 17800 को पार करता हुआ फ्रेश इंट्राडे हाई, और आपके सामने जो निफ्टी फ्यूचर्स हैं वो आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, अब 164 अंक ऊपर 17842 पर। अच्छा प्रीमियम वहाँ पर चलता हुआ, और ख़ासकर आप देखिए जो तीसरा सबसे मजबूत निफ्टी का स्टॉक है इंफोसिस, वो हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर वेटेज वाइज भी अब आपको तीनों काउंटर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और इंफोसिस, ये तीनों लगभग समझिए कि 27-28% वेट रखते हैं इस इंडेक्स में। ये तीनों दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बंद होते हुए दिखेंगे। हमारे साथ अमित सेठ साहब भी जुड़े हुए हैं। सेठ साहब, कल के लिए क्या कीजिएगा आज? सर, वैसे तो मैंने भी टॉरेंट पावर की कॉल दी थी। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में काफी अच्छा मोमेंटम देखा जा रहा है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। सर, इसका प्राइस, एक तो इसने फॉलोइंग ट्रेंडलाइन का ब्रेकआउट भी दिया है, प्राइस इसका भी लगभग 287 का है। स्टॉप लॉस एक छोटा सा मैं रखूंगा 283 का, और टारगेट रहेगा 295 का। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। आपसे आपकी राय लॉन्ग साइड पर ABF रॉयल पर मिलती हुई। डायरेक्टर साहब, इससे पहले कि हम मयूरेश जोशी साहब को जोड़ें, जरा इंफोसिस का आप चार्ट दिखा दीजिए। दिन का लोएस्ट लेवल आज था 1878, और आप एक बढ़िया मूव अब देख रहे हैं 1909 के आसपास। उच्चतम लेवल आप देखिए इंफोसिस का है 1914, देखते हैं कल या आज। वीरेन जी, चलिए ऐसा करते हैं, मयूरेश जोशी साहब को जोड़ते हैं। मयूरेश जी, कहां पर ध्यान और रुझान फिलहाल ताबड़तोड़ तेजी स्क्रीन पर? एक बीटीएसटी लेना हो एक दो दिनों के हिसाब से, तो जो टीम के साथ मैं डिस्कस कर रहा था वो देखने जिंदल स्टेनलेस, आई थिंक जो इसकी एक अहम लेवल थी एज पर दी ओनियल मेथोडोलॉजी 195.50, ये इसने अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस की है 198 के आसपास है, तो मोमेंटम शायद बरकरार रहेगा क्योंकि हमारे सजेस्टेड पिवट लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक निकल चुका है। दो तीन आई थिंक एम ट्रिगर्स, पहला ट्रिगर आई थिंक जो इनका 1.1 MTPA का इंटीग्रेटेड कैपेसिटी है बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ, ये स्टेनलेस स्टील की कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं टू 2.1, इसको डबल करते करते जिंदल स्टेनलेस, सो इसके साथ जो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन बढ़ा रहे हैं फेरोक्रोम का फ्रॉम 0.25 MTPA टू 0.35 MTPA, ये जो केपेक्स लगा रहे हैं 2100 करोड़ का, आई थिंक दैट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन, और इसलिए जो डेट इक्विटी लेवल्स एट 1x that should come down significantly जैसे volume accretion होगा। पिछले तिमाही में जो EBITDA per ton report किया था that was at 27,700 odd rupees per ton compared to 24,750, और management ये expect करके चल रहा है कि जो 24,000 से 25,000 की range है ये वर्ष के लिए EBITDA per ton that should get reported compared to 18,000 to 20,000, तो मुझे लगता है I think reported earnings बहुत बेहतर रह सकती है, demand काफी strong है, backward integration से ROEs और ROCs दोनों अच्छे खासे बढ़ेंगे। चलिए इस पर हम लोग ध्यान देंगे कल, लेकिन आपको आज देना है ध्यान सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पर। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने बाजार बंद होने से 11 मिनट पहले निफ्टी में आता हुआ, आपके सामने कैश में 17816, और अब तेजी में जुड़ते हुए आपके सामने एशियन पेंट्स, ग्रासिम, बजाज।